गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम व्लॉगिंग टुडे क्योंकि हम आज जा रहे हैं ज़ू, इंदौर के ज़ू जा रहे हैं हम, जो कि अभी एक डेढ़ साल से रिनोवेट हुआ है, पूरा बदल गया है, नए एनिमल्स आए हुए हैं। तो और मेरी नीज आई हुई है इंदौर, तो मेरे घर पे, तो हम जा रहे हैं ज़ू। तो मैं सोचा आप लोग को भी अपने साथ ले चलती हूँ। तो हम रेडी होंगे, फिर निकलेंगे, फिर हम जाएंगे ज़ू। चलिए चलते हैं। एंट्रेंस होती है, हम जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे फिर बर्ड हाउस है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, जो कि मैंने सुना हुआ था मेरे फ्रेंड से जो भी गए थे। तो उसकी टिकट 30 रुपीज़ है पर पर्सन। अब जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हमें नीचे के साइड तो रैबिट्स, रेड्स, ये सब दिखते हैं, आप देख ही सकते हैं क्लिप्स में। और ऊपर उन्होंने पूरा नेट डाल रखा है ताकि कोई भी बर्ड्स वगैरह उड़े नहीं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, पैरट्स वगैरह सब हैं। यह है वेल पोन, जिसमें आप कॉइन डाल के विश मांग सकते हैं, और इसमें फिशेस भी हैं। ये और कुछ रैबिट्स हैं। स्क्विरल्स भी है जो कि आ जाती हैं खाना खाने। ये देख सकते हैं आप, ये है लव बर्ड्स। और वहाँ पे एक स्नेक भी था जो कि उन लोगों ने एक ही रख रखा था। हालांकि वहाँ पे स्नेक जोन जो बोलते हैं वो एक अलग बना रखा है, पर एक स्नेक इन लोगों ने यहाँ रख रखा था। उसकी भी कुछ पर पर्सन टिकट अलग है, हम गए नहीं क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। तो ऐसे आप क्लिप्स एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। वहाँ पे वो लोग आपको हाथ में जो भी आप बोलो बर्ड्स वो दे देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है अपने हाथ में। मैंने एक ये लिया था और एक मैंने अमेरिकन पैरेट भी हाथ पे लिया था। तो बर्ड्स बहुत स्वीट होते हैं, यह आप देख ही सकते हैं, ये अमेरिकन पैरेट। और ये था मिरर रूम जहाँ पे फनी फनी मिरर्स थे। ये रही मैं, और फिर हम वहाँ से निकलते हैं और फिर कहीं और जाते हैं। ये है वल्चर, क्रोकोडाइल्स, वाइट पिकॉक। वाइट पिकॉक बहुत सुंदर है, आप देख ही सकते। यहाँ कुछ है डियर्स, जिसको सांभर भी बोला जाता है, और ये कुछ डिफरेंट टाइप के डियर्स थे। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखा हिप्पोपोटामस, जो कि बहुत मस्ती कर रहा था पानी से, उसको बहुत मज़ा आया था। सबसे ज़्यादा एक्टिव एनिमल हमें यही दिखा है पूरे ज़ू में। ये रहे कुछ बेबी डियर्स जो कि बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और फिर बाहरी आती है बिग कैट्स, यानी कि टाइगर।
तो यहाँ पे बहुत टाइप के टाइगर्स थे, वाइट टाइगर था, येलो टाइगर था, ब्लैक टाइगर भी था। यह आपके सामने वाइट टाइगर और जो सो रहा है पीछे वो है येलो टाइगर, और ये रही मैं चलते हुए। ये यहाँ पे अंदर जाने के बाद फूड कोर्ट भी है, बीच में तो टोकन काउंटर है, आप वहाँ से लेके खा सकते हैं टोकन। और ये रहा, हम जैसे ही निकलते हैं फूड कोर्ट के बाहर, थोड़ा चलते ही हमें दिखता है ये भालू जो कि मस्त सर्कस कर रहा था। हे गाइस, हम आ चुके हैं वापस घर, मैंने चेंज कर लिया है। होप आप सभी लोगों को इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली विजिट द इंदौर ज़ू। Bye bye. See you in the next video.